हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास टेंथ का सैम्पल पेपर जो कि सीबीएसई की तरफ से रिलीज़ किया गया है, जो 2021-22 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही ये टर्म वन का सैम्पल पेपर है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा, पैटर्न क्या होगा, उन सभी चीज़ों के बारे में, जिसमें टाइमिंग है 90 मिनट्स, यानी 1.5 घंटे का इसमें समय दिया गया है। और ये पूरा पेपर 40 नंबर का होगा, यानी 40 मार्क्स का होगा। इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, चलिए देखते हैं उनको। सबसे पहले कहता है द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 4 सेक्शन, यानी इसमें 4 सेक्शंस है। इसके साथ ही सेक्शन ए हैज़ 24 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 20, यानी 24 क्वेश्चन दिए गए हैं सेक्शन ए में और आपको केवल 20 अटेम्प्ट करने हैं कोई से भी। सेक्शन बी की बात करें तो इसमें 22 क्वेश्चंस हैं और केवल 18 अटेम्प्ट करने हैं। और सेक्शन सी में 12 क्वेश्चंस हैं जो केस स्टडी बेस्ड हैं, जिसमें से केवल आपको 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। वहीं सेक्शन डी मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे और आपको उन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस के मार्क्स इक्वल हैं और इनमें किसी भी तरीके की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर को। सेक्शन ए, अटेम्प्ट एनी 20 out of 24 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ यूरोप अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी इन बर्न? ऑप्शन ए गिस्यूपी गैरिबाल्दी, ऑप्शन बी गिस्यूपी मेजनी, ऑप्शन सी काउंट कैबर, ऑप्शन डी ओडोवान बिस्मार्क। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गिस्यूपी मेजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रिजल्ट ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन 1707? ऑप्शन ए यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ऑप्शन बी यूनिफिकेशन ऑफ द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ऑप्शन डी यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम। एंड द करेक्ट आंसर इज यूनिफिकेशन ऑफ द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद द रिगार्ड टू द ज़ोलब्रियन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ऑप्शन ए इट वॉज अ कोलिएशन ऑफ Prussian states formed to manage political alliances. Option B, its aim was to bind the Prussia politically into an association. Option C, it was a custom union at the initiative of Prussia. Option D, it helped to awaken and raise national sentiment in Europe. And the correct answer is, it was a custom union at the initiative of Prussia. Next question, which of the following countries were involved in the 3 wars with Prussia and ended with victory and unification of Germany? Option A, Austria, Poland and France. Option B, Austria, Denmark and France. Option C, Austria, Turkey and France. Option D, Austria, England and France. And the correct answer is Austria, Denmark and France. Next question, identify the ideology under which people demanded freedom of markets in early 19th century Europe. Option A, Romanticism. Option B, Liberalism. Option C, Socialism. Option D, Rationalism. The correct answer is Liberalism. Next question, choose the correctly matched pair about the crops and the areas they are grown in. Option A, groundnut, Assam. ऑप्शन बी टी गुजरात, ऑप्शन सी कॉफ़ी कर्नाटका, ऑप्शन डी शुगर केन छत्तीसगढ़। द करेक्ट आंसर इज कॉफ़ी कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीस ऑफ लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स इज कॉल्ड डैश। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए बैरन लैंड, ऑप्शन बी फॉरेस्ट लैंड, ऑप्शन सी ग्रेजिंग लैंड, ऑप्शन डी फेलो लैंड। एंड द करेक्ट आंसर इज फेलो लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंसेस वॉज कन्वेंट टू डिस्कस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल इन 1992? ऑप्शन ए कयोटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी रियो द जेनेरियो अर्थ समिट, ऑप्शन डी World Summit on Sustainable Development. And the correct answer is Rio de Janeiro Earth Summit.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंश्योर पैरेलल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स. ऑप्शन ए प्लेन्स, ऑप्शन बी प्लेट्यूज, ऑप्शन सी आइलैंड्स, ऑप्शन डी माउंटेन्स. द करेक्ट आंसर इज माउंटेन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन. ऑप्शन ए डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन बी क्रॉप रोटेशन, ऑप्शन सी शेल्टर बेल्ट्स, ऑप्शन डी प्लफिंग. द करेक्ट आंसर इज डिफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अडॉप्टेड मेजोरिटिनिज्म इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश. एंड द करेक्ट आंसर इज श्रीलंका. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ पावर शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. ऑप्शन ए रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रोवाइड एथनिक कल्चरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी अलाउ पीपल टू एंजॉय स्पेसिफिक राइट्स, ऑप्शन डी रिस्ट्रिक्ट सुप्रीमेसी ऑफ वन पार्टी. द करेक्ट आंसर इज रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, बेल्जियम हैज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट एज वेल. आइडेंटिफाई दिस थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ऑप्शन बी सोशलिस्ट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी कम्युनिटी गवर्नमेंट, ऑप्शन डी लिबरल गवर्नमेंट. द करेक्ट आंसर इज कम्युनिटी गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टूगेदर फेडरेशन. ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी बेल्जियम. एंड द करेक्ट आंसर इज USA. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द पावर शेयर्ड अमंग अस डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन. ऑप्शन ए इट गिव्स ज्यूडिशरी मोर पावर देन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट टू बी प्लेस्ड एट द सेम लेवल. इट गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज एट पॉलिटिकल लेवल. ऑप्शन डी इट इन्फ्लुएंसेस एंड कोऑर्डिनेट्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. द करेक्ट आंसर इज इट अलाउ इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट टू बी प्लेस्ड एट द सेम लेवल. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियाज फेडरल सिस्टम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल दो सब्जेक्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन द. ऑप्शन ए यूनियन लिस्ट, ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट, ऑप्शन सी कॉन्करेंट लिस्ट, ऑप्शन डी रेजिडरी लिस्ट. द करेक्ट आंसर इज कॉन्करेंट लिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया enjoy special power under Article 371A of the Constitution of India. Option A Nagaland, Option B Rajasthan, Option C Punjab, Option D Tamil Nadu. The correct answer is Nagaland. Next question, which one of the following is an example of primary sector activity? Option A banking, Option B outsourcing, Option C farming, Option D banking. And the correct answer is farming. Next question, which of the following measures the proportion of literate population in the 7 and above age group? Option A net attendance ratio, option B enrollment rate, option C literacy rate, option D dropout ratio. The correct answer is literacy rate. Next question, which one of the following is the correct meaning of average income? The total income of the country divided by its earning population. Option B, the total income of the country divided by its total population. Option C, the total income of the of all the residents of the country. Option D, the total income from the domestic and foreign sources. And the correct answer is the total income of the country divided by its total population. Next question,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI? ऑप्शन ए इम्प्रूवमेंट इन साइंस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एजुकेशन एंड इनकम, ऑप्शन सी इम्प्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी इम्प्रूवमेंट इन इन्वेस्टमेंट फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी. द करेक्ट आंसर इज इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एजुकेशन एंड इनकम. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट. ऑप्शन ए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑप्शन बी ह्यूमन डेवलपमेंट, ऑप्शन सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी नेशनल डेवलपमेंट. एंड द करेक्ट आंसर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स फॉल अंडर एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ऑप्शन ए अ डेली वेज लेबर वर्किंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्टर, ऑप्शन बी एन इंजीनियर गेटिंग ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ऑप्शन सी अ क्लीनिंग स्टाफ इन अ प्राइवेट स्कूल, ऑप्शन डी अ टेलर स्टिचिंग क्लोथ्स एट हिज होम. द करेक्ट आंसर इज एन इंजीनियर गेटिंग ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 स्टेट्स अ गारंटी ऑफ मिनिमम 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर. इफ गवर्नमेंट इज अनेबल टू फुलफिल दीज 100 डेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द गवर्नमेंट वुड हैव टू डैश चूज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए पे द कंपनसेशन इन लाई ऑफ दीज डेज, ऑप्शन बी प्रोवाइड अनदर स्कीम फॉर द सेम, ऑप्शन सी पे एट लीस्ट 1/3% अलाउंस, ऑप्शन डी प्रोवाइड हेल्थ केयर एज कंपनसेशन. एंड द करेक्ट आंसर इज पे द कंपनसेशन इन लाई ऑफ दीज डेज. सेक्शन बी अटेम्प्ट एनी 18 ऑफ 22 क्वेश्चंस. फॉलोइंग इमेज इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कॉमनली एसोसिएटेड विद द रोमांटिक इरा एंड द रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशंस ऑफ 1848. आइडेंटिफाई इट्स नेम फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस. ऑप्शन ए मैरियाना, ऑप्शन बी फिलिप वाइट, ऑप्शन सी जर्मेनिया, ऑप्शन डी ला इटालिया. द करेक्ट आंसर इज जर्मेनिया. फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉर विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट इन लाइ ऑफ क्वेश्चन नंबर 25. आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रशियन किंग हु वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स. ऑप्शन ए विलियम वन, ऑप्शन बी विलियम टू, ऑप्शन सी हेनरी सेवेंथ, ऑप्शन डी लुइस 14th. द करेक्ट आंसर इज विलियम वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट अबाउट बाल्कन नेशनलिज्म. फर्स्ट द बाल्कन रीजन बिकम पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ द ओटोमन एम्पायर. सेकेंड द रीजन कंप्रेस्ड ऑफ एथनिक ग्रुप्स इंक्लूडेड ग्रीक्स सर्ब्स मोंटेगारो एटसेट्रा. थर्ड ब्रिटिश एंड एथनिक नेशनलिटीज स्ट्रगल टू एस्टेब्लिश देयर आइडेंटिटी. ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन बी सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी ओनली सेकेंड, ऑप्शन डी ओनली वन. द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंड सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द वीवर्स इन सिलीशिया रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स इन 1845? आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्टर्स डिड नॉट पे देयर ड्यूज, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंटेड फ्यू ऑन हाई पोस्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स यूज्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्टर्स गिव देम लोन ऑन हाई इंटरेस्ट. द करेक्ट आंसर इज कॉन्ट्रैक्टर्स डिड नॉट पे देयर ड्यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेजर एस्पेक्ट दैट हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन. ऑप्शन ए इन 1688 द मोनार्च ऑफ ब्रिटेन फॉट बॉर विद इंग्लिश पार्लियामेंट, ऑप्शन बी द पार्लियामेंट थ्रू अ ब्लडलेस रेवोल्यूशन सीज्ड
power from the monarch. Option C, the British nation was formed as a result of a war with Ireland and Wales. Option D, the formation of a nation state in Britain was the result of many revolts. And the correct answer is, the parliament through a bloodless revolution seized power from the monarch. Next question. Identify the soil with the help of clues given below. Develops in areas with high temperature and heavy rainfall. Is low in humus content. Found in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Option A, forest soil. Option B, yellow soil. Option C, black soil. Option D, laterite soil. And the correct answer is laterite soil. Next question. Which of the following categories of the resources can we put tidal energy in? Option A, renewable resources. Option B, non-renewable resources. Option C, actual resources. Option D, potential resources. The correct answer is renewable resources. Next question. Consider the following statements on power sharing and select the answer using the quotes given below. First, it is good for democracy. Second, it creates harmony in different groups. Third, it brings transparency in the governance. Fourth, it brings socio-political competition among parties. Options, option A, first, second and third. Option B, second, third and fourth. Option C, first, third, fourth. Option D, first, second, fourth. The correct answer is first, second and third. Next question. How does judiciary act as an umpire in a federal nation? Option A, judiciary rules over center and state. Option B, center and judiciary work collectively. Option C, courts can change structure of constitution. Option D, courts use the power to interpret the constitution. The correct answer is courts use the power to interpret the constitution. Next question. Two statements are given in the question below as assertion A and reasoning R. Read the statement and choose the appropriate option. Assertion: Sri Lanka adopted Sinhala as the only official language of the state. Reason: the government of Sri Lanka wanted to foster their culture, language and religion. Options: Option A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false and R is true. The correct answer is both A and R are true and R is the correct explanation of A. Next question. Match the following items given in the column A with those in column B. Column A, information technology, police, education, defense. Column B, concurrent list, union list, state list, residuary list or subject. Choose the correct answer from the options given below. Option A, first, fourth, second, third, third, first, fourth, second. Option B, first, third, second, fourth, third, first, fourth, second. Option C, first, fourth, second, first, third, third, fourth, second. Option D, first, fourth, second, second, third, first, fourth, third. And the correct answer is first, fourth, second, third, third, first, fourth, second. The next question is, Anita is appearing in an examination conducted for recruitment to central government position. In how many languages as mentioned in the 8th schedule can she opt to take the exam? Select the appropriate option. Option A, 18. Option B, 21. Option C, 22. Option D, 25. The correct answer is 22. Next question. Identify the administrative system of Indian government with the help of the following information.
पावर शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू लोकल गवर्नमेंट. इट इज़ कॉल्ड एज अ थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट. द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद देम. सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. ऑप्शन ए फेडरल सिस्टम, ऑप्शन बी यूनिटरी सिस्टम, ऑप्शन सी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, ऑप्शन डी यूनिटरी सिस्टम. द करेक्ट आंसर इज डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस प्रूव दैट इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट. फर्स्ट मोर पावर्स विद सेंटर, सेकेंड रेजिडरी सब्जेक्ट्स विद सेंटर, थर्ड इक्वल सब्जेक्ट्स विद सेंटर एंड स्टेट, फोर्थ करेंसी एंड रेलवेज विद सेंटर. ऑप्शंस, ऑप्शन ए फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, ऑप्शन सी सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन डी सेकेंड थर्ड फोर्थ. द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट सेकेंड फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. सेकेंड शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. थर्ड इट इज ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट. फोर्थ द पार्लियामेंट कैन ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट. ऑप्शन, ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन बी सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन डी सेकेंड एंड फोर्थ. द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंड सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट आर गिवन इन द क्वेश्चन ब्लो एज एसर्शन एंड रीजनिंग. रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन. एसर्शन, ह्यूमन डेवलपमेंट मेंशंस हाउ मच सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज हैपेंड इन अ कंट्री. रीजन, कंपैरिजन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ द टू कंट्रीज एक्सप्लेन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ऑप्शंस, ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. The correct answer is A is true but R is false. Next question, choose the correct option from the following. List one example and list two sectors. A courier tertiary sector, B fisherman secondary sector, carpenter primary sector, and D transporter secondary sector. The correct answer is courier tertiary sector. Next question, read the following data and information carefully and select the most appropriate answer from the given option. Table for comparison of three countries monthly income of citizens in 2007 in rupees. Country A 9500, 10500, 9800, 10000, 10200. Country B 500, 500, 500, 500, 48000. Country C 5000, 1000, 15000, 4000, 25000. Rita is an employee of multinational company who gets transferred to different countries after every 3 years of service. She has been given an opportunity to choose any one out of the three countries mentioned in the table above as her next job location. She calculates average income of all these countries as per the given data and chooses to be transferred to country A. Identify the reason for which Rita has chosen country A. Options, A, most of its citizens are rich and stable. Option B, has most equitable distribution of income. Option C, national income of its citizen is higher. Option D, average income of its citizen is lower. The correct answer is has most equitable distribution of income. Next question, Vijay is undernourished as his weight is 45 kg and his height is 1.78 meter.
फाइंड आउट हिज बॉडी मास इंडेक्स BMI फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ऑप्शन ए 12.6, ऑप्शन बी 13.5, ऑप्शन सी 14.7, ऑप्शन डी 15.2 एंड द करेक्ट आंसर इज 12.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमेन वर्क्स एट अ स्वीट शॉप इन हर विलेज ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड गेट्स मेयर्स सैलरी आफ्टर वर्किंग द एंटायर डे। शी डज नॉट गेट एनी हॉलीडे और पेड लीव, रेदर हर एम्प्लॉयर डिडक्ट द सैलरी वेन एवर शी इज एबसेंट फ्रॉम वर्क। फाइंड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शी इज वर्किंग। ऑप्शन ए प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन बी सर्विस सेक्टर, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑप्शन डी अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड द करेक्ट आंसर इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2017 एंड 2018 डाटा, द शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज इन इंडिया वॉज प्राइमरी सेक्टर 44%, सेकेंडरी सेक्टर 25%, टर्शियरी सेक्टर 31%। Out of the three sectors, why did the ratio of employment in primary sector high? Select the most suitable option from the following. Option A, workers in the primary sector are underemployed. Option B, low job opportunities in secondary sector. Option C, efforts of labor are not equivalent in all the sectors. Option D, outsourcing of job opportunities in secondary sector. And the correct answer is workers in the primary sector are underemployed. Next question, two statements are given below as assertion and reasoning. Read the statements and choose the appropriate option. Assertion, crude oil reserves in the entire world are depleting. We need to find a suitable substitute for it. Reason, oil and petrol prices are increasing day by day. Options, A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. The correct answer is both A and R are true and R is not the correct explanation of A. Next question, a man is employed on a food processing farm where he has to do a lot of manual work. His wife and daughter also help him in his work on the farm every day. Which type of employment in this an example? Option A, underemployment. Option B, seasonal employment. Option C, overemployment. Option D, cyclical employment. The correct answer is underemployment. Next question, Section C. This section consists of two cases. There are 12, total of 12 questions in this section. Attempt any 10 questions from this section. Read the source given below and answer the questions by choosing the most appropriate question option. Grimm's fairy tales in a familiar name in Germany. The brothers Jacob and William Grimm were born in the German city of Hanau. While both of them studied law, they soon developed an interest in collecting old folktales. They spent 6 years traveling from village to village, talking to people and writing down fairy tales, which were handed down through the generations. These were popular both among children and adults. In 1812, they published their first collection of tales. Subsequently, both the brothers became active in liberal politics, especially the movement for freedom of the press. In the meantime, they also published a 33-volume dictionary of the German language. The Grimm brothers also saw French domination as a threat to German culture and believed that the folktales they had collected were expressions of a pure and authentic German spirit. They considered the project of collecting folktales and developing the German language as part of the wider effort to oppose French domination and create a German national identity. So the question are, why did the Grimm brothers give the tales as a readable form without changing their folkloric character? Choose the correct option from the following. Option A,
द कलेक्शन एंजॉयड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन जर्मनी. ऑप्शन बी, इट बिकेम अ मॉडल फॉर द कलेक्टिंग ऑफ फैंटेसी टेल्स. ऑप्शन सी, इट फॉर्म द बेसिस फॉर द साइंस ऑफ द लैंग्वेज. ऑप्शन डी, पीपल ईजिली एक्सेप्टेड देयर रिटन एडवेंचरस टेल्स. द करेक्ट आंसर इज द कलेक्शन एंजॉयड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन जर्मनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पैक्ट ऑफ लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑफ ग्रिम ब्रदर्स वॉज वाइड स्प्रेड. आइडेंटिफाई द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन डिपिसाइटिंग द सेम फ्रॉम द फॉलोइंग. ऑप्शन ए, डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड टाउन्स. ऑप्शन बी, सेटिंग अप ऑफ न्यू पोलिटिकल पार्टीज. ऑप्शन सी, प्रमोशन ऑफ एथनिक बिलोंगिंग. ऑप्शन डी, emergence of socialist ideology. The correct answer is promotion of ethnic belonging. Next question, fill in the blank from the given options. The work of the Grimm brothers influenced and inspired people to collect tales. They believed in a spirit of dash and considered it essential for the reflection of national identity. Option A, culturalism. Option B, conservatism. Option C, extremism. Option D, liberalism. The correct answer is culturalism. Next question, why the foreign domination was considered a threat to nation building? Select the best suitable option from the following in reference to the context. Option A, exploitation of natural resources. Option B, erosion of native values and ethos. Option C, violence and mass killing of people. Option D, spread of new diseases in the country. The correct answer is erosion of native values and ethos. Next question, how were the Germans able to connect with their nature? With reference to the above context, interpret the appropriate option. Option A, through the feeling of formal way of communication. Option B, through the feeling of oneness as European community. Option C, through the feeling of collective belonging among nationals. Option D, through the feeling of tolerance in reference to mannerism. The correct answer is through the feeling of collective belonging among nationals. Next question, two statements are given in the question below as assertion A and reasoning. Read these statements and choose the appropriate option. Assertion, regimes of 1815 did not tolerate criticism and dissent. Reason, conservative regimes were autocratic. Options, A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. The correct answer is both A and R are true and R is the correct explanation of A. Read the source given below and answer the questions by choosing the most appropriate reason. There has been a gradual shift from cultivation of food crops to cultivation of fruits, vegetables, oil sheets and industrial crops. This has led to the reduction in net sown area under cereals and pulses. With the growing population of India, the declining food production puts a big question mark over the country's future food security. The competition for land between non-agricultural uses such as housing, etc. and agriculture has resulted in reduction in the net sown area. The productivity of land has started showing a declining trend. Fertilizers, pesticides and insecticides, which once showed dramatic result, are now being held responsible for degrading the soil. Periodic scarcity of water has led to reduction in area under irrigation. Insufficient water management has led to water logging and salinity. Question, one can infer from the above given information that marginal and small farmers have been pushed out of cultivation. Which one of the following is the prominent causes? Option A, food and fruit crop are expensive in market. Option B,
shift to multifarious crop according to demand. Option C, periodic scarcity of water in many regions. Option D, soil degradation and extensive green revolution. The correct answer is soil degradation and extensive green revolution. Next question. Read the following statement and find the correct from the given option. First, Indian farmers are diversifying their cropping pattern. Second, they are shifting production from cereals to fruits, vegetables, etc. Third, jute is in high demand in the Indian market. Option A, first and second. Option B, second and third. Option C, third only. Option D, second only. The correct answer is first and second. Next question. According to the information given above, there has been reduction in the net sown area under cereals and pulses. Identify the reason. Option A, lack of markets to sell cereals and pulses. Option B, earn more income from non-agricultural sector. Option C, need of used labor in cultivating cereals and pulses. Option D, availability of more profits from commercial crops. The correct answer is availability of more profit from commercial crops. Next question. Fertilizers, pesticides and insecticides, which one showed dramatic result, are now being held responsible for degrading the soil. Infer the positive effects of these inputs noticed earlier from the following statements. Option A, these inputs have shown increased outputs and productivity. Option B, these are integral to the process of reducing agrarian losses. Option C, these inputs can cut the amount of harvestable produce. Option D, these are the leading causes of mortality and health problems. The correct answer is these inputs shown increased outputs and productivity. Next question. There are states in India which are using fertilizers, pesticides and insecticides at excessive level to increase their agricultural production. Identify the states which are at prominent level from the following options. Option A, Karnataka and Kerala. Option B, Haryana and Punjab. Option C, Punjab and Gujarat. Option D, Haryana and Telangana. The correct answer is Haryana and Punjab. Next question. Food production provides the base for food security and is a key determinant of food availability. Why is this trend shifting towards industrial crops? Choose the correct option in reference to the context. Option A, to improve the land use pattern. Option B, to use intensive farming techniques. Option C, to improve the fertility of soil. Option D, to fetch more income and high earning. Correct answer is to fetch more income and high earning. Section D, attempt both the map questions. On the given outline map of India, identify the location with the help of specified information. Fifth question. On the political map of India, A is marked on a dam. Identify it from the following options. Option A, Salal. Option B, Bhakla Nangal. Option C, Tehri. Option D, Rana Pratap Sagar. The correct answer is Bhakla Nangal. Next question. On the same map, B is also marked as a major tea cultivating state. Identify it from the following options. Option A, Assam. Option B, Punjab. Option C, Bihar. Option D, Gujarat. The correct answer is Assam. The following questions are for the visually impaired candidate in lieu of questions 59 and 60. Which of the following dam is located in Uttarakhand? Salal, Bhakla Nangal, Tehri, Rana Pratap Sagar. The correct answer is Tehri. Which of the following is a principal cereal crop? Option A, rice. Option B, wheat. Option C, jowar. Option D, bajra. The correct option is rice. तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होता है. आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं. साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.